दिस इज़ अभा। मैं यहाँ पिछले 2 साल से रह रहा हूँ और यहाँ का मौसम बड़े खुशगवार है। एंड दिस इज़ द मॉम। मैं यहाँ अगले 2 दिन में मूव होने वाला हूँ और यहाँ का मौसम कुछ गर्म सा है। करेक्शन, बहुत ज़्यादा गर्म। आज 9 जून है, मतलब टाइम टू मूव द हाउस। इस वक्त 8:45 हो रहे हैं और 9 बजे मूवर्स ने यहाँ पे आ जाना है, मतलब 15 मिनट में ही कमरा पैक होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द लास्ट टाइम यू गोना बी सीइंग दिस। गहरी बातों में माहिर। सामान जैसे जैसे पैक हो रहा था, मेरा दिल इस जगह को छोड़ते हुए थोड़ा सा उदास भी हो रहा था। जब आप किसी जगह कुछ अर्से के लिए रहते हैं, उस जगह से आपको अटैचमेंट हो जाती है और उस जगह को छोड़ना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए इस जगह को छोड़ना थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरे लाइफ के 3 मेजर इवेंट यहीं पे हुए हैं। मैंने सबसे पहले अपनी गाड़ी भी यहीं पे ली थी, मैं हज भी यहीं से किया था और मेरे बेटे महत उसकी पैदाइश भी यहीं पे हुई है। सो इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर मी टू लीव दिस प्लेस। मूवर्स के लिए मैंने 4 विंड का इंतखाब किया, मतलब आप इनकी पैकिंग को चेक करें और इनकी टीम तो भाई फर्स्ट क्लास है। ये हैं हमारे अशरफ भाई, और अशरफ भाई टीम लीडर भी हैं, और जब मैं 2 साल पहले आया था अशरफ भाई यहीं पे थे। और ये हैं हमारे जमालुद्दीन भाई, ये भी 2 साल पहले यहीं पे थे। इन्होंने इनकी सारा सामान जो अनपैक किया था, अब ये वापस से पैक कर रहे हैं। टीम के साथ साथ अब इनकी स्पीड भी चेक करें, मतलब पैकिंग में तो इन्होंने माइकल शुमाकर को पीछे छोड़ दिया। अपडेट ये है कि सारा सामान पैक हो गया है, सिर्फ ये आखिरी स्टिचेस रह गए एंड देन वी कैन स्टार्ट लोडिंग। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं हम किस तरह रहते हैं, ज़रूरी ये है कि इस जगह को छोड़ने के बाद लोग हमें किस तरह याद रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। सी यू इन द मॉर्निंग।